अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हरिद्वार के पीराने कलियर में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल देखने को मिली है। पीराने कलियर दरगाह में कांवड़ियों का एक जत्था पहुंचा। शिव भक्तों के इस जत्थे ने पीराने कलियर दरगाह में देश में भाईचारा और शांति के लिए दुआएं मांगी हैं। इस दौरान कांवड़ियों ने कहा कि पीराने कलियर भी एक धार्मिक स्थल है, यहाँ पर भी कोई शक्ति है जिसके कारण वे यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए पहुँचे हैं। रुड़की की पीराने कलियर दरगाह पहुंचे कांवड़ियों ने सावन के इस महीने में शिव भक्ति के साथ ही भाईचारे का पैगाम दिया है। इन दिनों बड़ी संख्या में कांवड़िये हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हरिद्वार से कांवड़ लेकर वापस लौट रहे कांवड़ियों का एक जत्था पीराने कलियर दरगाह पहुंचा, जहां पर कांवड़ियों ने साबिर पाक की दरगाह पर हाजिरी लगाकर एकता और भाईचारे का संदेश दिया। बुधवार को हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर लौट रहे पंजाब, हरियाणा, मुंबई, चंडीगढ़ के कांवड़ियों का एक जत्था रुड़की स्थित पीराने कलियर साबिर पाक की दरगाह पहुँचा। यहाँ पर सभी ने विश्व प्रसिद्ध दरगाह हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली मसाविर पाक में हाजिरी पेश की। इस दौरान कांवड़ियों ने दरगाह में चादर और अकीदत के फूल पेश किए, साथ ही साथ देश में भाईचारा और शांति के लिए दुआ की। कांवड़ियों ने दरगाह साबिर पाक पहुंचकर देश में भाईचारा और एकता की मिसाल भी पेश की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीराने कलियर दरगाह पहुंचे कांवड़ियों ने बताया वह जल लेने के लिए हरिद्वार आए थे। इस दौरान उन्होंने दरगाह साबिर पाक में दर्शन किए, साथ ही उन्होंने बताया उनकी साबिर पाक में गहरी आस्था है। उसके बाद शिव भक्त कांवड़िये जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि पीराने कलियर दरगाह साबिर पाक एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पर सभी धर्म के लोग दूर दराज से अपनी अपनी आस्था को लेकर पहुँचते हैं, उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। यहाँ पर सभी मजहब के लोग आते हैं और सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कलियर में स्थित साबिर पाक की दरगाह में एक गोलर का दरख्त भी है। जो यहाँ पर बताया जाता है साबिर पाक एक गोलर की दरख्त की टहनी को पकड़े हुए 12 साल तक खड़े रहे थे। यहाँ पर आने वाले जायरीन इस गोलर की चाह में रहते हैं। जिसको ये गोलर मिल जाता है वो बहुत बड़ा खुशनसीब माना जाता है और इस गोलर को हर मर्ज में शिफा के लिए खाया जाता है। तो दोस्तों, कभी आप कलियर शरीफ गए हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। एक दिन का वाकया है, 7 रबीउल अव्वल आखिर 594 हिजरी बरोज मंगल नमाज फज्र के बाद। आप फरमाते हैं कि मैं मुराकबे में बैठा हुआ था। मैंने मुराकबे से आँख खोली तो देखा कि स्याह रंग के एक बहुत बड़े सांप के दो टुकड़े पड़े हुए हैं। एक टुकड़ा मुझ पर गिरकर जमीन पर पड़ा, जबकि एक टुकड़े के पास अलाउद्दीन अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठे हुए थे। मैंने उनकी वालिदा को आवाज दी और उनको बताया तो उनकी वालिदा ने सांप के दो टुकड़े देखकर फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि मखदूम अली अहमद ने एक सियाह सांप के दो टुकड़े कर दिए हैं और कहते हैं कि मैंने सांपों के सरदार को मार दिया है और सब सांपों से वादा ले लिया है कि वो मेरे खानदान के किसी भी फर्द को कभी भी नहीं काटेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह की करामातें। आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों, हम बहुत बहुत अच्छी करामातें आपकी इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। बकरी का वाकया भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो आप वीडियो को छोड़कर कहीं भी ना जाएं। एक बार का वाकया है, आपके वालिद मोहतरम के विसाल के बाद नहायत तंगी और हसरत से गुजारा औकात होने लगी, लेकिन आपकी वालिदा माजदा किसी से इस बात का इजहार ना फरमाती थी। हजरत मखदूम अली अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह की आदत मुबारक थी कि आप दिन के वक्त जंगलों की तरफ निकल जाते थे और आप तनहाई में बैठकर इबादत इलाही में मशगूल रहते थे। खाने पीने की होश ना होती थी, कई पहर तक कुछ नहीं खाते थे। जब भूख का गलबा शिद्दत इख्तियार कर लेता था तो अपनी वालिदा माजदा से कुछ चीज खाने के लिए तलब फरमाते थे। बाज मर्तबा यूं भी होता था कि आपको शिद्दत से भूख लगती मगर घर में खाने की कोई चीज मौजूद ना होती थी। एक मर्तबा आप 2-3 दिन से फाके की हालत में थे, जिसकी वजह से आपको बहुत शदीद भूख लगी हुई थी। इत्तेफाक से उस दिन घर में कुछ भी खाने को मौजूद ना था। अपनी वालिदा माजदा से फरमाया कि कुछ खाने को दो। आपकी वालिदा माजदा ने दोपहर तक बहाने से आपको टाला और उस दौरान बहुत कोशिश की कि कुछ मयसर आ जाए तो मैं हजरत साबिर को पका कर खिला दूं, लेकिन कुछ भी आपके पास इंतजाम ना हो सका। चुनांची जोहर की नमाज के बाद आपने फिर वालिदा माजदा से खाने के लिए कुछ तलब फरमाया और कहा कि भूख के बायस बेताब हो रहा हूँ। वालिदा माजदा ने आपकी
तस्कीन के लिए एक देगची में पानी भरकर चूल्हे पर रख दिया और आग जला दी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप उस देगची को उठाकर चमचे से हिला देती थीं। आप थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद वालिदा माजदा से कहते हैं, पक गया होगा। लेकिन आप कहती हैं, बेटा अभी पक जाता है, थोड़ी देर और लगेगी। इसी तरह कई मर्तबा होता रहा। आखिर मगरिब की नमाज के बाद भूख ने आपको परेशान कर दिया तो आपने खुद ही जाकर देगची उठाकर देखा और चूल्हे के करीब जाकर खुद देगची का ढक्कन उठाकर फरमाया, चावल तो पक गए हैं, मुझे जल्दी से खिला दीजिए। वालिदा माजदा ने आपकी जबान अतहर से ये बात सुनी तो बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि उन्होंने तो देगची में सिर्फ पानी ही डाला था, लेकिन चूल्हे पर रखा हुआ पानी चावल कैसे बन गया। मगर चूंकि उनको ये यकीन था कि मखदूम अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह ताला अलैह की जबान अतहर से जो कलमा निकलता है वो बालकल दुरुस्त और सच्चा होता है, इसलिए फौरन उठी और देगची के पास आकर देखा तो वाकई नहायत आला किस्म के चावल पककर तैयार हो चुके थे, जिनकी खुशबू बहुत अच्छी थी। आपकी वालिदा माजदा ने आपके चावल निकाल कर खिलाए और मौलाना मोहम्मद अबुल कासिम गिरगानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को बुलाकर उनसे सारा वाकया बयान किया तो उन्होंने भी चावल देखे और तबर्रुक के तौर पर तनावुल भी फरमाए। हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये करामात है। आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करके अभी कमेंट सेक्शन में आमीन और सुभान अल्लाह जरूर लिखें। अल्लाह तबारक व तआला इन बुजुर्गों के सदके में हमारे भी गुनाहों को माफ फरमाए और हमें भी पंज वक्ता नमाजी बना दे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस दुआ को कबूल फरमाए। आप आमीन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। एक बार का वाकया है दोस्तों, जब हजरत अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कलियर शरीफ में तशरीफ लाए थे तो हजरत मखदूम अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह ताला अलैह जामा मस्जिद में तशरीफ ला चुके। तब काजी तबर्रुक ने चूंकि पहले ही रईस कलियर के कान भर रखे थे, इसलिए उसने नमाज से फारिग होने के बाद आपसे मुलाकात की और कहा, आप सुल्तानुल औलिया और कुतुबुल किताब हैं, अगर ये दुरुस्त है और आपका दावा सच्चा है तो बताइए कि मेरी एक बकरी जो कि 3 माह से गायब है, उसकी रंगत सफेद, कद ऊंचा था और वो बहुत खूबसूरत बकरी थी, इस वक्त वो कहां पर है। अगर आपने उसके बारे में सही बता दिया तो हम अहले कलियर आपकी इमामत व विलायत कुतबियत तस्लीम कर लेंगे। हजरत मखदूम अली अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह एकदम जलाल में आ गए और फरमाया, जम्वा की बकरी खाने वाले लोगो यहाँ हाजिर हो जाओ। ये अल्फाज आपकी जबान मुबारक से अदा होते ही फौरी तौर पर 27 आदमी घबराए हुए जामा मस्जिद में दाखिल हुए। आपने उनसे दरियाफ्त फरमाया, तुमने जम्वा की बकरी खाई है। उन लोगों ने रईस के खौफ से इनकार किया और कहा कि ये हम पर बहतान है, हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है, इस मामले से कोई हमारा ताल्लुक नहीं है। हजरत अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बहुत चाहा कि उनका पर्दाफाश ना हो, मगर वो लोग इनकार ही करते रहे। जब आप तंग आ गए और उन लोगों ने बात ना बताई तो आपने रईस शहर से फरमाया, तुम अपनी बकरी का नाम लेकर बुलंद आवाज से पुकारो और फिर कुदरत का तमाशा देखो। रईस शहर ने बकरी हुरमना कहकर आवाज दी। रईस ने जब अपनी बकरी की आवाज देकर पुकारा तो बहुकम बारी ताला फौरन उन 27 आदमियों के पेट में से जुदा जुदा आवाज आई कि मेरा इस कदर इतना इतना हिस्सा फला फला शख्स के पेट में है और उन्होंने तबाह किया था, मेरा गोश्त भून कर खाया था और मेरी हड्डियां सदर के कुएं में डाल दी थीं। इस तरह से हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस गुमशुदा बकरी का पता बता दिया। ये होते हैं अल्लाह वाले, अल्लाह वालों की करामतें ये होती हैं। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह जरूर लिखें।